हेलो दोस्तों, किस्मत टाइम्स हिंदी पर आपका स्वागत है। और वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो Z1 प्रो, या वीवो Z1 प्रो कह सकते हैं इसको। और ये है जी जनरेशन, जो यंग जनरेशन है उसके लिए। और इसमें आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, काफी सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन। और इस फोन की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 15,000 रुपये से, और इसलिए हमने सोचा इसका कंपेरिजन हम करते हैं एक ऐसे फोन के साथ जो अभी मार्केट में काफी अच्छी तरह से चल रहा है, जो है रियलमी का 3 प्रो। रियलमी का सबसे बेस्ट फोन अभी तक का यही है रियलमी 3 प्रो, और इसका प्राइस है 14,000 रुपये, 4 GB RAM और 64 GB स्टोरेज के साथ। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो दोनों में वेरिएंट्स तो है ही, 4 GB से लेके 6 GB RAM और 128 GB स्टोरेज तक वीवो में मिल जाता है, 64 GB तक आपको रियलमी 3 प्रो में मिल जाता है। मगर मेजर डिफरेंसेस और क्या रहेंगे उसकी हम बात करेंगे, और देखेंगे कि स्पेक्स के हिसाब से कौन सा फोन बेटर है। आप वैसे भी गिज़्मो टाइम्स का हमारा जो इंग्लिश चैनल है उसमें देख सकते हैं कि हमने आप वहां पर स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी किया हुआ है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा फोन स्पीड के हिसाब से बेटर है और बैटरी ड्रेन टेस्टिंग में कौन सा बेटर फोन रहेगा। पहले डिजाइन की बात करते हैं। दोनों फोन्स में आता है एक सिमिलर काइंड ऑफ एक ग्लॉसी बैक, और दोनों में पैटर्न अलग होते हैं। इसमें एक ग्रेडियंट फिनिश है जिसमें आप देख सकते हैं वीवो में एक जो लाइंस बन जाती है अगर लाइट के अगेंस्ट आप इसको प्रोजेक्ट करते हो तो, और एक तरह से ब्लू है मगर ब्लैक का भी यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन दिखता है, जो कि अच्छा एक पैटर्न यहाँ पे दिया गया है पीछे की तरफ। और वीवो की ब्रांडिंग पीछे है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ट्रिपल लेंस कैमरा कॉम्बिनेशन आता है, कैमरा की हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद देखो कि रियलमी 3 प्रो में ये स्ट्रेट लाइन्स अंदर दिखाई दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसा वेवी पैटर्न नहीं है, मगर ये अगर लाइट के अगेंस्ट अगर प्रोजेक्ट करोगे तो एक लाइन यहाँ पर एक डिमार्केशन आपको दिखेगा जो कि थोड़ा सा यूनिक है। मगर अगर पर्सनली अगर बात करूं तो मुझे वीवो का ये जो ग्रेडियंट फिनिश है ऑनर के फोन्स में पहले होता था और काफी फोन्स में आया था, तो वो बेटर लगता है ऐसे प्लेन डिजाइन से कंपेयर करोगे तो। मगर अगर बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ हम इसकी भी बात कर लें कि कंफर्टेबल कौन सा फोन रहेगा, मेरे लिए रियलमी 3 प्रो कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि 100 यूसेज इसमें ज्यादा इजी रहेगा। और उसका रीजन भी है क्योंकि इस फोन का स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है और उसके साथ साथ बैटरी की कैपेसिटी छोटी है, इसलिए फोन को भी छोटा कर दिया है। एक तरह से अगर बैटरी लाइफ का आप देखोगे तो यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा रियलमी 3 प्रो के लिए, मगर कंफर्ट के हिसाब से ये काफी इजी रहेगा हैंडल करने में और यूज करने में, तो रियलमी 3 प्रो कंफर्ट के हिसाब से एक बेटर फोन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो है इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट। रियलमी 3 प्रो आएगा 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ, और इसमें रहेगा आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन जो है 1080x2340 पिक्सल्स, और सेम रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है वीवो के Z1 प्रो में भी। मगर यहाँ पर एक डिफरेंस ये रहेगा क्योंकि कि वीवो के Z1 प्रो में 6.53 इंच का डिस्प्ले है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा फोन ज्यादा बड़ा है साइज के हिसाब से और डिस्प्ले किसकी ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर एक और चीज आपको इजिली नोटिस हो जाएगी, वो है कि इन डिस्प्ले कैमरा, वीवो के Z1 प्रो में इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है जो है पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा, और उसके कंपैरिजन में ये एक रेगुलर ट्रेंड वाला जो नॉच डिस्प्ले था वो यहाँ पर दिया गया है। और इन डिस्प्ले कैमरा का भी अगर हम कंपेयर कर लें तो दोनों में काफी फर्क है। तो यहाँ पे आता है 32 MP का F2.0 कैमरा सेल्फीज के लिए और वीडियो कॉल्स के लिए, और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो रियलमी 3 प्रो में आ रहा है 25 MP का F2.0 कैमरा। तो रेजोल्यूशन के हिसाब से मैं कहूंगा कि वीवो Z1 प्रो का कैमरा बेटर है, मगर हमने काफी कुछ टेस्ट किया है दोनों फोन्स में। रियलमी हालांकि वैसे तो इंडिपेंडेंट ब्रांड कह सकते हो, मगर इसमें स्टिल कलर वाइज आपको मिल रहा है, तो कलर वाइज के जो ऐप है कैमरा ऐप है वो ओप्पो से मिलता जुलता है, तो उसमें जो सेल्फी का ऑप्टिमाइजेशन होता है वो काफी सिमिलर दिया गया है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा है यहाँ पर कैमरा का, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन जो सेल्फीज के लिए। तो 25 MP का जो कैमरा है यहाँ पर दिया गया है वो भी काफी अच्छे सेल्फीज लेता है, जब आप कंपेयर करोगे इसको वीवो के Z1 प्रो के साथ जो 32 MP सेल्फी कैमरा के साथ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके ओएस की। ओएस के हिसाब से अगर देखोगे तो दोनों में एंड्रॉइड 9 पाई मिल रहा है, और एंड्रॉइड 9 पाई के साथ साथ यहाँ पर वीवो के Z1 प्रो में आपको फ्रंट टच ओएस मिलता है और रियलमी 3 प्रो में आपको कलर ओएस मिलता है। दोनों काफी मिलते जुलते हैं, मगर एक डिफरेंस ये रहेगा कि कलर ओएस में रिसेंटली यहाँ पर ऐप ड्रॉअर दिया गया है। काफी लोगों को ये दिक्कत होती है कि ऐप ड्रॉअर नहीं होता है कस्टम इंटरफेसेस में, और उसको अगर आप नेगेट करना चाहते हो, अगर आपको कुछ उसका दिक्कत है तो कस्टम लॉन्चर्स आप यूज कर सकते हो, मगर ब्रांड ही अगर आपको ऐप लॉन्चर दे रहा है तो ये काफी अच्छी चीज है, तो कलर ओएस में वो एक एडवांटेज रहेगा। मगर बाकी फीचर्स का अगर हम बात करेंगे तो काफी सारे फीचर्स यहाँ पर आते हैं जो आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हो कि काफी सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, मगर वीवो के अभी रिसेंट फंडा चॉइस अपडेट में गेमिंग के लिए काफी बढ़ावा किया गया है, और ये फोन भी हमने देखा कि काफी सारे
प्रमोशन जिसके गेमिंग अराउंड हुए हैं। तो गेमिंग के लिए यहाँ पर गेम क्यूब एक दिया गया है जिसमें आप काफी चीजें चेंज कर सकते हो, और एक सारी लिस्ट होती है जहां पर आप जीपीयू सीपीयू को बढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ अगर देखोगे तो बैकग्राउंड की एक्टिविटीज कम कर सकते हो और एप्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये गेम क्यूब यहाँ पर दिया गया। वैसे यहाँ पर गेम स्पेस है मगर गेम स्पेस में इतने सारे फीचर्स नहीं आएंगे जितने आपको गेम क्यूब में मिल रहे हैं। अगली बात करते हैं हम कैमरा की। कैमरा एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर प्राइस का कोई यहाँ पे लिंक नहीं होता। काफी अच्छे अच्छे फोन्स अब आ रहे हैं अच्छे कैमरास के साथ मिड रेंज कैटेगरी में भी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ एक पहला डिफरेंस इजीली आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर तीन कैमरा यहाँ पर दो कैमरा दिए गए हैं। तीन कैमरा में एक अहम बात यह है कि ऊपर का फर्स्ट कैमरा जो है वो एक वाइड एंगल लेंस कैमरा है और वो 16 mm वाइड कैमरा है और आपको 8 MP रेजोल्यूशन के वाइड एंगल कैप्चर्स देगा। इस फोन में वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया गया है। तो रियलमी 3 प्रो में आपको 16 MP के साथ साथ 5 MP का एक डेप्थ सेंसर मिल रहा है। 16 MP कैमरा f1.7 अपर्चर के साथ आ रहा है जो काफी अच्छी लाइट लेता है अगर आप लो लाइट कंडीशंस में ट्राई करते हैं फोटो लेना। मगर उसके कंपैरिजन में वीवो के Z1 प्रो में देखोगे तो आप 16 MP का कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ आ रहा है और तीसरा कैमरा जो है वो 2 MP का है डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर 5 MP डेप्थ सेंसर दिया गया है, यहाँ पर 2 MP डेप्थ सेंसर दिया गया है। मगर मेजर एडवांटेज यहाँ पे रहेगा वीवो Z1 प्रो का वाइड एंगल कैमरा, क्योंकि वाइड कैप्चर्स लैंडस्केप कैप्चर्स जो होते हैं वो आप सिर्फ वीवो के फोन में ले पाएंगे, इसमें नहीं ले पाएंगे। पैनोरामा का ऑप्शन वैसे भी रहेगा मगर पैनोरामा अलग चीज होती है और डायरेक्टली एक वाइड एंगल कैप्चर लेना वो एक अलग बात होती है। तो वो यहाँ पर पॉसिबल है वीवो के Z1 प्रो में। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो देखते हैं दोनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी। हम दोनों में वीडियो मोड में जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन में पॉसिबल है और फ्रेम रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 30 FPS। उससे ज्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप 4K में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि 24 to 30 FPS है। 60 FPS आप सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा। अगर आप अभी भी देख सकते हैं सिर्फ 60 FPS सीधा 720p पे ले जाता है। तो आप 4K अगर सेलेक्ट करोगे तो 24 to 30 FPS आएगा। उसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी पॉसिबल है रियलमी 3 प्रो में, मगर वो भी 30 FPS ही है। 60 FPS तो वैसे भी इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर अच्छी बात दोनों में ये है कि आप 4K वीडियोज ले सकते हैं। और स्लो मोशन वीडियोज की अगर बात करेंगे, स्लो मोशन वीडियोज का इतना अच्छा सपोर्ट वीवो के फोन में नहीं दिया है, मगर यहाँ पर रियलमी 3 प्रो में आप देखोगे तो स्लो मोशन का ऑप्शन भी है और साथ ही साथ आप इसमें 120 FPS स्लो मोशन ले सकते हैं। और ये 120 FPS स्लो मोशन आपको 1080p रेजोल्यूशन में भी मिल जाएगा। बीच में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी कि ये एक्चुअल रियल स्लो मोशन नहीं है और थोड़ी सी इसमें सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट दिया गया है, मगर फिर भी आपको एक स्लो मोशन बेटर ऑप्शन रियलमी 3 प्रो में यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जो एक मेन अहम बात होती है फोन्स की। स्नैपड्रैगन 712 10 nm चिपसेट। 712 पहला फोन इंडिया मार्केट में ये है जो स्नैपड्रैगन 712 के साथ आ रहा है वीवो Z1 प्रो। उसके कंपैरिजन में रियलमी 3 प्रो आ रहा है स्नैपड्रैगन 710। सो ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 10 nm का है और उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों ऑक्टाकोर चिपसेट है मगर इसका स्पीड रहेगा 2.3 GHz और उसके कंपैरिजन में रियलमी 3 प्रो का यहाँ पर रहेगा 2.2 GHz 4 कोर्स के लिए और बाकी 4 कोर्स 1.7 GHz का यहाँ पर क्लॉक स्पीड देंगी। मगर अगर आप बात करोगे जीपीयू की तो दोनों में एड्रीनो 616 जीपीयू है, दोनों में सेम जीपीयू आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट की जो है बैटरी लाइफ। पहले भी मैंने बताया था कि फोन यहाँ पर काफी मोटा और बड़ा दिया गया है, मगर इसका मेन रीजन था क्योंकि इसमें एक बड़ी बैटरी और एक बड़ा डिस्प्ले है। बड़ी बैटरी का मतलब इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है जो कि रियलमी 3 प्रो से तो काफी ज्यादा ही है, क्योंकि 4045 mAh की बैटरी रियलमी 3 प्रो में दी गई है। और हमने इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है वीवो Z1 प्रो का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आराम से 10 10 घंटों का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, वो भी जब हमने इसको पूरे प्रेशर से यूज किया था। अगर नॉर्मल यूसेज करोगे तो और ज्यादा इसमें बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और फास्ट चार्जिंग की अगर बात करेंगे तो फास्ट चार्जिंग में इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग है जो ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग कह सकते हो। उसके कंपेरिजन में रियलमी 3 प्रो में 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 18 vs 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग रियलमी 3 प्रो में मिल रही है। तो फास्ट चार्जिंग के हिसाब से बात करोगे और इसकी बैटरी भी क्योंकि कम कैपेसिटी की है तो ये चार्जिंग में काफी जल्दी चार्ज हो जाएगा 0 to 100 अगर Z1 प्रो से कंपेयर करोगे, क्योंकि पहली बात यह है कि कैपेसिटी कम है और दूसरी बात यह है कि इसका चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट इससे थोड़ा ज्यादा है। तो ये था मेजर रेस्पेक्ट कंपेरिजन वीवो Z1 प्रो और रियलमी 3 प्रो का।
ये रियलमी 3 प्रो आ रहा है 14,000 रुपए से शुरू होते हुए प्राइस में, और ये 15,000 रुपए से स्टार्ट होता है वीवो जी वन प्रो। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं ये दो फोन्स के बारे में, या वीवो जी वन प्रो का कोई और डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब कीजिए गिज्मो टाइम्स हिंदी को, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।